अब खबर रेवाड़ी से है, जहां बिठवाना अनाज मंडी के बाहर लगी ट्रैक्टरों की लाइन, 1 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है। यहां पे मंडी में सरसों और अनाज की खरीद प्रक्रिया सुस्त पड़ी हुई है। जिले की मंडियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, फुल हो चुकी हैं ये मंडियां। बता दें आपको कि 1,33,000 क्विंटल गेहूं की हो चुकी है सरकारी खरीद। लगातार मंडियों में जो आवक है वो बढ़ रही है, मंडियों में आवक लगातार बढ़ रही है, मंडियां फुल हो चुकी हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बिठवाना अनाज मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लाइन लग गई है, क्योंकि अब मंडी में जगह ही नहीं बची है। 1 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैक्टरों की जो लाइन है वो लग गई है मंडी के बाहर। मंडी में सरसों और अनाज की खरीद प्रक्रिया सुस्त पड़ी हुई है। खरीद प्रक्रिया ना होने की वजह से मंडियां फुल हो गई हैं, अब मंडियों में जगह नहीं बची है, तो ट्रैक्टरों की लाइन मंडियों के बाहर लग गई है। जिले की मंडियां फुल हो चुकी हैं, 1,33,000 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई है अब तक सिर्फ। अब लगातार मंडियों में आवक जो है वो बढ़ने लगी है, और मंडी के क्या हाल हैं वो आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। किसानों का जो सोना है, किसानों का जो अनाज है वो पड़ा हुआ है यूं ही। रेवाड़ी से मेरे सहयोगी प्रेम भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेम, मंडियां फुल हो चुकी हैं, खरीदारी क्यों नहीं हो रही है? हालत ऐसे हो गई है कि अब ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उनकी लाइन लग चुकी है बाहर, मंडियों में जगह नहीं बची है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेवाड़ी की बात करें, जिले में 3 जगह यहाँ खरीद प्रक्रिया है, रेवाड़ी, बावल तथा कोसली। अगर तीनों जगह की बात करें तो लगातार आवक बनी हुई है, लगातार आवक बने होने से खरीद प्रक्रिया और उठान प्रक्रिया दोनों कहीं ना कहीं सुस्त नजर आ रही है। यही कारण है कि ट्रैक्टरों की लंबी लाइन बाहर लग चुकी है, वही मंडी के अंदर कट्टों की भरमार है। अगर बात करें तो 1,00,000 से अधिक क्विंटल अभी सरसों और गेहूं यहाँ खरीद हो चुकी है, लेकिन उठान की बात करें तो अभी 50,000 क्विंटल तक ही उठान हो पाया है। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तो जिस तरीके से मंडियां हैं वो इन बैग से पूरी तरह से अटी पड़ी हुई है। यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि अब व्यापारियों तथा किसानों को अपनी फसल सड़कों पर जो है खाली करनी पड़ रही है। अगर उठान की बात करें तो उठान पूरी तरह से सुस्त है, वहीं खरीद प्रक्रिया भी पूरी तरह से सुस्त नजर आ रही है। अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं भी यहाँ नामात्र ही है, पानी से लेकर शौचालय तक की यहाँ व्यवस्था नहीं है। ऐसे भी किसानों को खरीद कर पानी पीना पड़ रहा है, वहीं शौचालय के लिए भी दूर दूर तक यहाँ जाना पड़ रहा है। ऐसे भी ये भी बताइए कि इन अव्यवस्थाओं के पीछे की क्या वजह है, और ये जो खरीदारी में सुस्ती आ रही है इसको लेकर कोई कदम उठाया जा रहा है क्या? जी, अगर बात करें तो अभी कुछ दिन बंद जेपी दलाल ने भी याद दौरा किया था, लेकिन किसान कहीं कि अपनी समस्या रखना चाहते थे, लेकिन वो किसानों की समस्या को बिना सुने ही अधिकारियों की मीटिंग लेकर यहाँ से चले गए। तो ऐसे में किसानों को भी नाराजगी थी, किसानों को कहना था कि वो अपनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखना चाहते थे, लेकिन मंत्री जी बिना मिले ही वहां से चले गए। तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का भी रोष है। जी, ये तो बहुत गलत चीज है कि अगर किसानों की समस्या को, परेशानी को उनकी सुना नहीं जा रहा। प्रेम, ऐसे में किसानों के पास क्या विकल्प बचता है? जी, अगर विकल्प की बात करें तो देखो, पहले ही ओलावृष्टि तथा बरसात की वजह से किसान जो है दुखी नजर आ रहा था। अब वो कहीं ना कहीं अपनी फसल को निकालकर जिस तरीके से अनाज मंडी लेकर पहुंचा है, तो वहां भी उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में किसान कहीं ना कहीं दुखी नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, उठान से लेकर प्रक्रिया जो खरीद प्रक्रिया है उसको भी दुरुस्त करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए प्रेम। तो देखिए, किसान तो इसी उम्मीद में है कि सरकार इस ओर ध्यान दे, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे, लेकिन तस्वीरें ये भी सामने आ रही है कि किसानों को सुना नहीं जा रहा है, उनकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से परेशानियां हो रही हैं तमाम किसानों को।